अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खुश हैं और सेफ़ हैं, और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, और अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे इस मुबारक महीने के सदके। और बस फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, और मैंने ब्रेकफास्ट से ही वीडियो स्टार्ट की थी। थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली डेली वीडियो अपलोड करूँ। और बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ये जो आपको नज़र आ रहा है कप में, ये मिल्क है, चाय नहीं है, क्योंकि मेरा चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा था सुबह के टाइम पे, तो इसलिए मैंने मिल्क ले लिया था। और मैंने इसलिए बताया कि आप ये ना समझें कि पता नहीं चाय में से तो इसने पत्ती ही नहीं डाली। अच्छा, नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पर सफ़ाई वगैरह की थी, और ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से मैंने ये सारा वॉश धोया था। और बस फिर यहाँ पे मैं वाइपर लगा रही थी, और उसके बाद मैंने बस सफ़ाई वगैरह करने के बाद जोहर की नमाज़ पढ़ी थी, और फिर बस यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे ये जो बिरयानी है ना हैदरी रेस्टोरेंट से, ये मैंने रात में मंगवाई थी, और मगर मतलब मैंने बिरयानी मंगवाई थी, लेकिन ये बिरयानी के नाम पे धोखा था, क्योंकि ये तो ये पुलाव टाइप लग रहा था, लेकिन पुलाव भी मज़े का होता है, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं था, और ज़रा भी मज़े की नहीं थी। फिर मेरे से तो खाई भी नहीं गई थी, तो फिर मैंने ऐसे रख दी थी फ्रिज में। तो सुबह मतलब अब्बू कह रहे थे मैं इसको सालन के साथ खा लेता हूँ, तो फिर मैंने इसको ओवन में किया था, गर्म कर दिया था, और आज हमने बनाए हैं ये वाइट चने, और मैंने इसके साथ खाई थी दोपहर में रोटी, और अब्बू को दी थी मैंने इस वो वाले जो पता नहीं वो क्या है, बिरयानी है या पुलाव है, उसके साथ वो दिया था ये चने का सालन, जो कि बहुत मज़े का बना था और मैंने ही बनाया था। और बस यहाँ पे शाम की मैं चाय पी रही हूँ, और शाम की चाय के बाद मैंने ना आप सबके साथ एक हैक शेयर करना था, वो हाइलाइटर का। तो ना मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि कैमरा भी मैंने ही पकड़ना था, और फ्रंट कैमरा से ठीक तरह से वो फोकस नहीं हो रहा था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। ये देखिए, पहले मैंने ड्राई ब्रश के साथ हाइलाइटर लगाया, और इसकी इस तरह की लुक आई है। और अब मैं ना वो जो एक दूसरे ब्रश को पानी में मतलब डिप करके ना, तो उसको मतलब गीला करके, ये देखिए मैं इसको पानी में डिप किया है ब्रश को, और फिर इसको हाइलाइटर लगाया, और फिर मैं इसकी शाइन देखें आप कितनी ज़्यादा और कितना ग्लो करेगा ये वाला हाइलाइटर। मुझे लगता है कि सेम ऐसे ही पार्लर वाले जो पार्लर वगैरह से हम तब रेडी होते हैं, तो वो भी इसी तरह